आप देख रहे हैं उदित राज न्यूज, सब पर नजर, सबकी खबर। कि ये नौकर हम रखे अपने घर के पास अपने माँ बाप की हिफाजत के लिए, और वो नौकर मरने के बाद हमारे माँ बाप को बंदी बना ले, हमको बंदी बना ले, और ये कहे तुम शुरू तो तुम घर के मालिक हो। अरे भाई, जनप्रतिनिधि हो, चाहे वह एमपी हो, चाहे एमएलए हो, चाहे मंत्री, सेवा करने के कोई हक नहीं है दूसरा काम। और ये नौकर इससे बने, आपने ऐसा इनको नौकर बनाया, नौकरी की जिम्मेदारी दी, ये मकान मालिक से पूछना है कि तू प्रूफ दे कि तू मेरा मालिक है या ना। ये कमाल की बात, ये हम नहीं होने देंगे। जो टेस्ट हो रहा है ये संविधान का अपमान है। जो वर्तमान हालात चल रहे हैं राजनीतिक, ये पूरे देश को देखा जा रहा है एक षड्यंत्र के तहत, और लोगों का ध्यान बटाने के लिए भाई से भाई को लाया जा रहा है, और देश को जो विभाजन किया जा रहा है, जो महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो देश ने लड़ाई लड़ी थी, आज़ादी पाई थी, उस आज़ादी को अंग्रेजों के पिट्ठू जो ख़त्म करना चाहते हैं, और उस इंसाफ इंसानियत की लड़ाई को, देश के अंदर संविधान को बचाने की लड़ाई को, देश के अंदर लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई को, और देश के अंदर जो संवैधानिक परंपराएं हैं, जो संसदीय परंपराएं हैं, उसको बचाने की लड़ाई को लड़ने के लिए पवार साहब के नेतृत्व में पूरा देश तैयार था, और उत्तर प्रदेश भी पूरे देश के साथ है। और उसी क्रम में ये हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है कि वो हमारे बीच में आए, हमारे नेतृत्व करें, इस संघर्ष का नेतृत्व करें। क्योंकि जब से महाराष्ट्र के अंदर जो एक लोग ये सोचा करते थे कि नरेंद्र मोदी अजय हैं, उनको परास्त नहीं किया जा सकता, तो महाराष्ट्र के अंदर माननीय शरद पवार साहब ने उस धारणा को गलत साबित करके दिखाया है। उन्होंने पूरे देश को बताया है कि नरेंद्र मोदी की नीतियाँ देश विरोधी हैं, संविधान विरोधी हैं, लोकतंत्र विरोधी हैं, और उनको जनता के सहयोग से परास्त किया जा सकता है, और वो उन्होंने करके दिखाया। जो NRC का मुद्दा चल रहा है, उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो मुद्दा चल रहा है, ये देश को विभाजन की तरफ ले जाने का है, और ये संविधान को ख़त्म करने का एक प्लान है, लेकिन इसको हम लोग कभी सफल नहीं होने देंगे। और इसी क्रम में 19 तारीख को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राज्य स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पवार साहब लखनऊ आ रहे हैं, और उसी की तैयारी के लिए हमने किया। पवार साहब 19 फरवरी को लखनऊ की सरजमी पर कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे, और उसके बाद बुलंदशहर में मार्च में, और उत्तर प्रदेश के हर जिले में वो रैलियों को संबोधित करेंगे। और ये लड़ाई जो संविधान को बचाने की, जो लोकतंत्र को बचाने की, जो इंसानियत को बचाने की लड़ी जा रही है पवार साहब के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर, उसको हम और मजबूत करेंगे और जीतेंगे। सभी सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए हमारी पार्टी की रणनीति बड़े नेता तय करेंगे जी। फिलहाल 2022 में हमें चुनाव लड़ेंगे, मन बना चुके हैं कि हम लोग पूरे सीट लड़ेंगे जी, लेकिन बाकी बड़े नेता तय करेंगे जी। NRC पे क्या नीतियाँ हैं? NRC का मैं खुल के विरोध करता हूँ जी। मैं मेरठ से हूँ जी, और मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में पश्चिम उत्तर प्रदेश का माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का चेयरमैन जी। पार्टी की क्या नीतियां हैं, और आगे का जो अल्पसंख्यक मोर्चा है उसको किस तरीके से आप विस्तार करेंगे? हमारी पार्टी जो नीति है, वो शरद पवार जी का बिल्कुल एकदम स्पष्ट कहना है कि हम अल्पसंख्यकों के साथ हैं, मुसलमानों के साथ हैं। उन्होंने कल भी एक बयान में कहा है कि जो भी ये NCR या जो भी YCCA को लेके, ये गलत हो रहा है और हम मुसलमानों के साथ हैं। आगे की क्या रणनीतियाँ रहेंगी? हमारी रणनीति यही रहेगी कि भाई सबको लेके साथ चलेंगे, उसमें कोई हमारी जाति कोई वो विशेष नहीं है जी।
जैसा कि चुनावी सभा के विषय में अध्यक्ष जी ने जानकारी दिया, तो चुनावी सभा में क्या अल्पसंख्यकों की भूमिका रहेगी? पूरी भूमिका रहेगी, पूरी भूमिका रहेगी। ठीक।